चरस तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश सहदेव सिंह एनडीपीएस एक्ट ने महिला को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1,00,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड न देने पर 1 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा। 4 अगस्त 2019 को एसओजी टीम और पुलिस एस्कॉर्ट के बेड़ा में चेकिंग कर रही थी। इसी बीच एक महिला अपने पीठ पर काले रंग का पिट्ठू बैग लटकाकर बेड़ा क्षेत्र से लगे जंगल से पैदल आते दिखाई दी। पूछताछ में महिला ने अपना नाम लक्ष्मी ततवाल, पत्नी धीरेंद्र सिंह ततवाल, निवासी सिरखा धारचूला बताया। महिला के बैग से 10 किलो 398 ग्राम चरस बरामद की गई। उक्रांत के अध्यक्ष काशी सिंह एरी के आवास पर मां खिचड़ी का आयोजन किया गया। इस मौके पर लोगों ने चटकारे लेकर खिचड़ी चटनी का आनंद उठाया। एरी ने राज्य आंदोलन के दौरान हुए अनुभवों को साझा किया। कहा कि विकास के लिए सभी को एकजुट होकर कार्य करना होगा। इस मौके पर वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर कापड़ी, चंद्रशेखर पुनेड़ा, राम सिंह, मोहन भट्ट, निर्मल चौधरी, उमेश जोशी, गिरीश जोशी, चंद्र प्रकाश कोहली, नितिन मारकाना, मेजर ललित, दिनेश गुरुरानी समेत कई लोग मौजूद रहे। द हंगर प्रोजेक्ट के तहत बलवाकोट में महिला प्रधानों की कार्यशाला का आयोजन किया गया। महिलाओं ने युवाओं में बढ़ रही नशाखोरी पर चिंता जताई। उन्होंने पंचायतों में आवास स्वीकृत होने के बाद भी समय पर बजट नहीं आने, स्थायी समितियों के सक्रिय न होने, महिला व किशोरियों की तस्करी, बाल विवाह के मामले बढ़ने के मामलों को प्रमुखता से उठाया। इस मौके पर प्रधान पूजा देवी, शांति देवी, सरस्वती, सुनीता, गीता, पुष्पा, गंगा बसेड़ा, पूजा धामी, आरती, मंगल राम आदि मौजूद रहे। दारमा घाटी में प्रस्तावित 165 मेगावाट बोकांग बालिंग जल विद्युत परियोजना का विरोध बढ़ता जा रहा है। निगालपानी में हुई दारमा संघर्ष समिति की बैठक में ग्रामीणों का कहना था कि आपदा की दृष्टि से अति संवेदनशील क्षेत्र में डैम का निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि 20 फरवरी को बाद के विरोध में तहसील में ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस निकाला जाएगा। बैठक में समिति के अध्यक्ष पूरन ग्वाल, सोनू दुक्तू, सुंदर सिंह, जीवन सिंह मार्शाल, पूरन सेलाल, नरेंद्र सेलाल, मनोज नगन्याल, छोरी बोनाल, भजन ग्वाल, वीरेंद्र दुक्ताल, दीवान विजय, मानसिंह समेत कई ग्रामीण मौजूद रहे। 11 फरवरी को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए जिला जज सहदेव सिंह की अध्यक्षता न्यायालय परिसर के सभा कक्ष में प्रारंभिक बैठक का आयोजन किया गया। इसमें धारा 138 NI एक्ट, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, श्रमिक क्षतिपूर्ति, वैवाहिक दीवानी संबंधी मामलों के सुलह समझौते से निस्तारण पर विचार विमर्श किया गया। कहा गया कि जो भी व्यक्ति अपने मामलों को लोक अदालत में निस्तारित करना चाहते हैं, वह किसी भी कार्य दिवस में प्रार्थना पत्र देकर अपने मामलों को नियत करवा सकते हैं। बैठक में न्यायिक अधिकारी अपर जिला सत्र न्यायाधीश पंकज तोमर, सीनियर सिविल जज विभा यादव, एक मजिस्ट्रेट कपिल कुमार त्यागी, सीनियर सिविल जज बीनू गुलायानी अधिवक्ता मौजूद रहे। महाकाली नदी में बहे एक वृद्ध की दारचूला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक महाकाली नगरपालिका दो पंडोरा के वीर सिंह बादल तैरने के दौरान नदी में अचानक बह गए। महाकाली नगरपालिका 4 में रिंगनेटल के पास सशस्त्र और नेपाल पुलिस ने 400 मीटर दूर नदी में बह रहे वृद्ध को निकाल अस्पताल पहुंचाया। बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया। कनाली छीना में व्यापार संघ अध्यक्ष राजेश सिरोला की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में महाशिवरात्रि मेले को धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया। मेले से पूर्व बाजार क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को ठीक करने और बाजार के ऊपरी क्षेत्र से गिरने वाले गंदे पानी को रोकने की व्यवस्था की जाएगी। पूर्व में ध्वज खंडेनाथ के नाम से लगने वाला मेला हाल के वर्षों में नहीं लग पाया था। मेले में किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। बैठक में ललित सिरोला, सुरेश कुमार, कुंडल सिंह, नवीन पांडे, ललित कुमार, सुरेंद्र सिरोला, पंकज कुमार, रमेश जोशी, दिनेश सिरोला समेत कई लोग शामिल रहे। पिथौरागढ़ के सिलथाम स्थित मेहरा मार्केट में मिल रही हैं सूरत की कीमतों में साड़ियां व ऑनलाइन से भी सस्ता कपड़ा। MS साड़ीज लेकर आया है सूटिंग शर्टिंग, फैंसी लेडीज सूट, वैवाहिक साड़ियां, लहंगा, पिछोड़ा, ड्रेस मटेरियल, कंबल, चादर, तकिया, होम के गद्दे, तिरपाल, लेडीज स्वेटर, लेडीज कुर्तियां। एक बार जरूर पधारें,
रिश्तेदार और मित्रों को भी बताएं। मोबाइल नंबर 9412908643। खबरों को देखते रहने के लिए न्यूज इंडिया नेपाल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। अब खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में पढ़ने और देखने के लिए अभी डाउनलोड करें न्यूज इंडिया नेपाल ऐप।